नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी ने कहा, कश्मीर में मारे गए लोग हमारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर समस्या का संविधान के दायरे में बातचीत से स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल देते हुए सोमवार को सभी राजनीतिक दलों से इसके लिए मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से आए विपक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान राज्य की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वे हमारा हिस्सा हैं, चाहे वे युवा हों, सेना के जवान हों या पुलिसकर्मी हों, वे देश के नागरिक हैं। प्रतिनिधिमंडल में उमर अब्दुल्ला, गुलाम अहमद मीर और अन्य नेता शामिल थे। बैठक के बाद अब्दुल्ला ने बताया कि बातचीत खुले और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। पाकिस्तान की नई रणनीति है कश्मीर में पत्थरबाजी, अरुण जेटली ने कहा। कश्मीर में जारी अशांति के बीच केंद्र सरकार ने रविवार को अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि हिंसा में शामिल लोगों से कोई समझौता नहीं होगा, जबकि राज्य के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे जो पिछले 60 वर्षों से नहीं हुए। कश्मीर की स्थिति को गंभीर बताते हुए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कश्मीर में पथराव में शामिल लोग सत्याग्रही नहीं हैं, बल्कि प्रदर्शनकारी हैं जो पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, लेकिन सीमित दृष्टिकोण वाले लोग इसे देख नहीं सकते। कश्मीर में 44 दिनों से चल रही अशांति के बारे में जेटली ने कहा कि अब इस समय एक गंभीर स्थिति उभरी है जिसमें पाकिस्तान, अलगाववादी और धार्मिक ताकतों ने हाथ मिलाया है और अब नए तरीके से वे भारत की अखंडता पर हमला कर रहे हैं। बारामूला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, गोला बारूद बरामद। कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। सेना की 40 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। एक गुप्त जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जहाँ भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिला है। उल्फा ने भाजपा नेता के अगवा बेटे का वीडियो जारी किया। असम में सत्तारूढ़ भाजपा के एक नेता के बेटे को अगवा करने के बाद उग्रवादी संगठन उल्फा ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अपहृत किशोर कुलदीप मोरान मुख्यमंत्री, स्थानीय भाजपा विधायक और अपने माता पिता से रिहा करवाने की अपील कर रहा है। किशोर तिनसुकिया जिले की भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष का बेटा है। सीरिया में हवाई हमले में एक सप्ताह में 500 से अधिक लोगों की मौत। सीरिया के विभिन्न शहरों में केवल एक सप्ताह के हवाई हमलों तथा गोलीबारी में 500 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर नागरिक थे। हवाई हमले सीरिया के सरकारी तथा रूसी विमानों ने किए। हवाई हमले तथा गोलीबारी में मारे जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी शनिवार को स्थानीय समन्वय समिति ने दी। समिति ने 13 से 19 अगस्त के बीच 508 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी, जिनमें 96 बच्चे तथा 73 महिलाएं शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।